ये यूरिया के लिए लाइन लगी हुई है और ये इस क्षेत्र में लगी है जहाँ से कृषि मंत्री जेपी दलाल आते हैं। तो कृषि मंत्री जी तो कहते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इससे झूठा आदमी पूरे इंडिया में आपको नहीं मिलेगा। जो हरियाणा का कृषि मंत्री है इससे झूठा आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये पार्टी झूठू की है, सिर्फ इनके पास झूठ के अलावा कोई बात ही नहीं है। आज ही देखिए किसान की हालत देखिए कैसी है। और बोलते हैं ये कभी इनको चिन्नी बोलते हैं, कभी पाकिस्तानी बोलते हैं कि खाली तरह, ये चिन्नी पाकिस्तानी नजर आते हैं आपको। ये शुद्ध किसान है, इस देश के अंदर आता है और इनके साथ में अगर ऐसा व्यवहार करे तो आने वाले समय में आपको कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। बताया जा रहा है कि आप सुबह 5 बजे से लाइन में लगे हैं। हम सुबह 5 बजे से लाइन में खड़े हैं, अभी तक खाद नहीं मिली है। नहीं मिली और संभावना भी नहीं। लाइन में लगाओ ना, लाइन में कौन है लुगाई। एक दो ये तो एक दो ले आया है जान के पकड़ के बाजार में। ना बाजार में तो यहाँ पर ये है कृषि मंत्री जेपी दलाल जी के हल्के बहल में खाद के लिए लगी लाइन। मैं तो ये देखिए कृषि मंत्री जेपी दलाल जी के हल्के के बैल में लंबी लंबी लाइन है खाद के लिए। कृषि मंत्री जी कहते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। आज ये लाइन किस लिए लगी हुई है? ये यूरिया के लिए लाइन लगी हुई है और ये इस क्षेत्र में लगी है जहाँ से कृषि मंत्री जेपी दलाल आते हैं। तो कृषि मंत्री जी तो कहते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इससे झूठा आदमी पूरे इंडिया में आपको नहीं मिलेगा। जो हरियाणा का कृषि मंत्री है इससे झूठा आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये पार्टी झूठू की है, सिर्फ इनके पास झूठ के अलावा कोई बात ही नहीं है। आज ही देखिए किसान की हालत देखिए कैसी है। और बोलते हैं ये कभी इनको चिन्नी बोलते हैं, कभी पाकिस्तानी बोलते हैं कि खाली तरह, ये चिन्नी पाकिस्तानी नजर आते हैं आपको। ये शुद्ध किसान है, इस देश के अंदर आता है और इनके साथ में अगर ऐसा व्यवहार करे तो आने वाले समय में आपको कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। बताया जा रहा है कि आप सुबह 5 बजे से लाइन में लगे हैं। हम सुबह 5 बजे से लाइन में खड़े हैं और अभी तक खाद नहीं मिली है। नहीं मिली और संभावना भी नहीं। लाइन में लगाओ ना, लाइन में कौन है लुगाई। एक दो ये तो एक दो ले आया है जान पकड़ के बाजार में। ना बाजार में तो यहाँ पर ज्यादा वीडियो बनाया है।
ये है कृषि मंत्री जेपी दलाल जी के हल्के बैल में खाद के लिए लगी लाइन। मैं तो ये देखिए कृषि मंत्री जेपी दलाल जी के हल्के के बैल में लंबी लंबी लाइन है खाद के लिए। कृषि मंत्री जी कहते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। आज ये लाइन किस लिए लगी हुई है? ये यूरिया के लिए लाइन लगी हुई है और ये इस क्षेत्र में लगी है जहाँ से कृषि मंत्री जेपी दलाल आते हैं। तो कृषि मंत्री जी तो कहते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इससे झूठा आदमी पूरे इंडिया में आपको नहीं मिलेगा। जो हरियाणा का कृषि मंत्री है इससे झूठा आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये पार्टी झूठू की है, सिर्फ इनके पास झूठ के अलावा कोई बातें नहीं है। आज ही देखिए किसान की हालत देखिए कैसी है। और बोलते हैं ये कभी इनको चिन्नी बोलते हैं, कभी पाकिस्तानी बोलते हैं, खाल इस तरह ये चिन्नी पाकिस्तानी नजर आते हैं आपको। ये शुद्ध किसान है, इस देश के अंदर आता है और इनके साथ में अगर ऐसा व्यवहार करें तो आने वाले समय में आपको कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। बताया जा रहा है कि आप सुबह 5 बजे से लाइन में लगे हैं। हम सुबह 5 बजे से लाइन में खड़े हैं और अभी तक खाद नहीं मिली है। नहीं मिली और संभावना भी नहीं। लाइन में लगाओ ना, लाइन में कौन है लुगाई? ये तो एक दो ले आया है पकड़ के बाजार में। ना बाजार में तो ये है कृषि मंत्री जेपी दलाल जी के हल्के बैल में खाद के लिए लगी लाइन। मैं तो